नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक आपके साथ। मैं हूं अंजना ओम कश्यप और ये विशेष पेशकश आप सीधे अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी से देख रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने अमेरिकी दौरे पर आए हुए हैं। पूरी दुनिया की नजर दो व्यक्तियों पर है, दो मुल्कों पर है, उनके रिश्तों पर है। जी हां, विश्व के सबसे पुराने और सबसे बड़े लोकतंत्र के मुखिया आमने सामने द्विपक्षीय बातचीत इसी व्हाइट हाउस में करने वाले हैं, और इसीलिए हमने कहा कि पूरी दुनिया की नजर होगी। ये न सिर्फ हिंदुस्तान के बढ़ते कद की निशानी है, बल्कि इस रिश्ते में भी मजबूती की पूरी कहानी है। दुनिया की नजरें आज शाम व्हाइट हाउस पर होंगी। दुनिया के सबसे बड़े और पुराने लोकतंत्र के दो मुखिया इसी ग्लोबल पावर हाउस कहे जाने वाले व्हाइट हाउस में मिलने वाले हैं। एक तरफ कोविड का संकट, दूसरी तरफ अफगानिस्तान में तालिबान की वजह से उथल पुथल, और तीसरी तरफ चीन की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा। ऐसे माहौल में दुनिया के दो ताकतवर नेताओं की मुलाकात अहम हो गई है। पीएम मोदी और जो बाइडेन की मुलाकात में जिन मुद्दों पर बातचीत की उम्मीद है उनमें शामिल हैं सीमा पार से आतंकवाद का मुद्दा, दुनिया भर में आतंकी नेटवर्क के बढ़ते प्रभाव पर भी बात होगी, अफगानिस्तान के मौजूदा हालात का मुद्दा भी भारत के लिए बेहद अहम है, सुरक्षा और सहयोग का मुद्दा भी बातचीत के एजेंडे पर होगा, कोरोना महामारी से निपटने की नई चुनौतियों पर भी दोनों देश विचार करेंगे। पीएम के साथ मुलाकात में जिस तरह अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने आतंकवाद में पाकिस्तान के रोल पर चिंता जताई, उससे साफ हो गया कि बाइडेन से मुलाकात में भी ये मुद्दा अहम होगा। Next, when the issue of terrorism came up, the vice president Suomoto referred to Pakistan's role in that regard. She said that there were terror groups that were working there. She asked Pakistan to take action so that these groups do not impact on US security and that of India. She agreed with the Prime Minister's briefing on the fact of cross-border terrorism and the fact that India had been a victim of terrorism for several decades now, and all the need to rein in and closely monitor Pakistan's support for such terrorism. जब आतंकवाद का मुद्दा आया तो उपराष्ट्रपति ने स्वतः इस संबंध में पाकिस्तान के रोल का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि वहाँ आतंकी समूह काम कर रहे हैं। उन्होंने पाकिस्तान से इस पर एक्शन लेने को कहा ताकि ये ग्रुप अमेरिका और भारत की सुरक्षा को प्रभावित नहीं कर सके। वो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म और कई दशकों से भारत के आतंकवाद का शिकार होने की पीएम की बात से सहमति। उन्होंने कहा कि इस पर करीब निगाह रखने और आतंकी ग्रुप को पाकिस्तान के समर्थन पर लगाम लगाने की जरूरत है। बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के बाद पीएम मोदी के साथ ये आमने सामने की पहली मुलाकात है, लेकिन दोनों नेताओं का रिश्ता बहुत पुराना है। पीएम बनने के बाद जब 2014 में नरेंद्र मोदी अमेरिकी दौरे पर गए थे तब बाइडेन उपराष्ट्रपति थे और उन्होंने लंच पर मोदी की मेजबानी की थी। 2016 में पीएम मोदी ने जब अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र को संबोधित किया था तो बाइडेन ने इसका संचालन किया था। बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के बाद मोदी के साथ तीन बार उनकी फोन पर बातचीत हो चुकी है, जबकि मार्च में क्वाड, अप्रैल में क्लाइमेट चेंज और फिर G7 के वर्चुअल सम्मेलनों में दोनों नेता एक साथ शामिल हो चुके हैं। प्रेसिडेंट बाइडेन ऑन अ नंबर ऑफ ओकेजंस व्हेन ही हैड विजिटेड द यूनाइटेड स्टेट्स व्हेन President Biden was the then Vice President, and that President Biden had hosted our Prime Minister to lunch when he made his first visit to the United States in 2014. He had also presided over the joint session of the U.S. Congress that the Prime Minister had addressed in 2016. So there is already a certain amount of familiarity, understanding, and friendship between the two leaders. ओबामा, ट्रंप और बाइडेन, ये जान पहचान और आपसी समझ क्या उस सिलसिले को आगे बढ़ा पाएगी जो इससे पहले बराक ओबामा और डोनाल्ड ट्रंप के साथ पीएम मोदी की दोस्ती में दिखी थी। माना जा रहा है कि नरेंद्र मोदी का दौरा भारत अमेरिका के अगले 3 सालों का ब्लूप्रिंट तैयार कर देगा। वॉशिंगटन से अंजना ओम कश्यप के साथ आज तक ब्यूरो।
तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस अमेरिकी दौरे का सबसे अहम पड़ाव है, जब आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ मुलाकात करेंगे। लेकिन इस रिश्ते की मजबूती की एक झलक तब भी दिखाई दी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की मुलाकात हुई। दोनों ने एक दूसरे के लिए संदेश सामने रखा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गर्मजोशी से स्वागत करने पर धन्यवाद दिया, तो दूसरी तरफ कमला हैरिस ने इस बात की प्रशंसा की कि कोविड की दूसरी लहर में जिस तरह से भारत ने उस पूरी चुनौती का सामना किया, इस सब का जिक्र किया। और ये भी कहा कि चाहे वो व्यापार का क्षेत्र हो, निवेश हो या फिर जलवायु परिवर्तन, इन तमाम मुद्दों पर एक साथ काम करने के लिए बहुत कुछ है। Outside of South Asia for at least the last 16 months, on behalf of the president and myself, we are honored to welcome you. पहले तो मेरा और मेरे डेलीगेशन का बहुत ही गर्म जोशी से स्वागत करने के लिए मैं आपका हृदय से बहुत बहुत आभारी हूँ। ये भारत और अमेरिका के संबंधों की नई इबारत लिखे जाने की शुरुआत है। ये तस्वीरें इसलिए भी अहम हैं कि भारतीय मूल की बेटी अमेरिका की पहली उपराष्ट्रपति के तौर पर भारत के प्रधानमंत्री से मुलाकात कर रही थी। जो बाइडेन की सरकार भारत के साथ अपने संबंधों को कितना अहमियत देती है, पीएम मोदी के साथ मुलाकात में इसकी झलक साफ दिखाई दी। औपचारिक मुलाकात के बाद दोनों नेता जिस तरह संवाद करते नजर आए, वो इस बात का संकेत है कि दोनों देश आपसी सहयोग के मुद्दों को लेकर बेहद गंभीर हैं। उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और पीएम मोदी व्हाइट हाउस में चहलकदमी करते हुए बात कर रहे थे। मुलाकात से पहले भी दोनों देशों की तरफ से जारी किए गए बयान में उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने दोनों देशों की साझेदारी और सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। India, of course, is a very important partner to the United States. Throughout our history, our nations have worked together, have stood together to make our world a safer and stronger world. Mr. Prime Minister, when you and I last spoke in June, we talked about how our world is more interconnected and interdependent than ever before. And the challenges that we face today have highlighted that fact, be it COVID-19, the climate crisis. दुनिया में बढ़ते आतंकवाद और लोकतंत्र के लिए खतरे को लेकर भी दोनों देशों की चिंताएं एक जैसी ही थी। हमारे मूल्यों में समानता है, हमारे जियोपॉलिटिकल हितों में समानता है और हमारा तालमेल और सहयोग भी निरंतर बढ़ता जा रहा है। Finally, as democracies around the world are under threat, it is imperative that we defend democratic principles and institutions within our respective countries and around the world, and that we maintain what we must do to strengthen democracies at home. पीएम मोदी ने इस मौके पर उन चुनौतियों का भी जिक्र किया जिससे बाइडेन की नई सरकार जूझ रही है। राष्ट्रपति बाइडेन और आपने अत्यंत चुनौतीपूर्ण माहौल में अमेरिका का नेतृत्व संभाला और बहुत ही कम समय में कई उपलब्धियां हासिल की हैं। कोविड हो, क्लाइमेट हो या फिर क्वाड। उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने भारत के साथ मजबूत संबंधों की अहमियत पर जोर दिया। मुलाकात के दौरान शिक्षा, स्वास्थ्य, अंतरिक्ष कार्यक्रम और जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों पर भी बात हुई। पीएम मोदी ने साझा बयान जारी करते हुए उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को भारत आने का न्योता भी दिया। एक्सेलेंसी, आपकी ये विजय यात्रा ऐतिहासिक है। भारत के लोग भी चाहेंगे कि भारत में आपकी इस ऐतिहासिक विजय यात्रा को सम्मानित करें, आपका स्वागत करें, इसलिए मैं आपको विशेष रूप से भारत आने का निमंत्रण देता हूं। पीएम मोदी ने इस दौरान 40 लाख प्रवासी भारतीयों का भी जिक्र किया जो अमेरिका के विकास के सफर में अहम योगदान दे रहे हैं। कुल मिलाकर उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से हुई मुलाकात के बाद
ये तय हो गया है कि भारत और अमेरिका सामरिक और आर्थिक संबंधों के साथ एक मजबूत साझेदार के तौर पर अपनी दोस्ती जारी रखेंगे। वाशिंगटन डीसी से अंजना ओम कश्यप के साथ आज तक ब्यूरो। पूरी दुनिया कोविड की महामारी को झेल रही है। जी हाँ, रिश्तों की गर्माहट पर आपने ये रिपोर्ट हमारी देखी, उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और प्रधानमंत्री की मुलाकात की भी तस्वीरें देखी, लेकिन पूरी दुनिया और खास तौर पर अमेरिका कोविड की महामारी से जूझ रहा है। 6.5 लाख से ज्यादा लोगों की इसी धरती पर मौत हो गई है, लेकिन इन सब के बीच अमेरिका ने प्रशंसा की जो भूमिका हिंदुस्तान की रही कोविड के खिलाफ जंग में, जिस तरह से अमेरिका की सहायता की उसके लिए धन्यवाद कहा। अब आइए आपको दिखाते हैं कैसे कमला हैरिस ने इस बात की भी प्रशंसा की है कि वैक्सीन के निर्यात को फिर से खोलने का फैसला जो भारत ने लिया है वो सराहनीय है। कोरोना की वैश्विक महामारी जिससे निपटना अमेरिका जैसे ताकतवर देश के लिए भी बड़ी चुनौती साबित हो रहा है। अमेरिका में अब भी कोरोना बेकाबू है। सितंबर के महीने में यहां हर दिन औसतन 2000 लोगों की मौत हो रही है। अमेरिका में कोरोना से अब तक 6,75,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। तय है कि कोरोना से लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है और न ही ये आसान है। पीएम मोदी और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के बीच मुलाकात के दौरान भी कोरोना महामारी पर लंबी चर्चा हुई। कमला हैरिस ने कोरोना से निपटने में भारत की कोशिशों की सराहना की। Early in the pandemic, India was a vital source of vaccines for other countries. When India experienced a surge of COVID in the country, the United States was very proud to support India in its need and responsibility to vaccinate its people. And I welcome India's announcement that it will soon be able to resume vaccine exports. It is of particular note and admiration that India, I'm told, is currently vaccinating approximately 10 million people a day. PM Modi ne bhi is dauran America se mili madad ke liye aabhar jataya. पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना संकट के दौरान एक सच्चे मित्र की तरह अमेरिका ने भारत के लिए चिंता की। जब भारत कोविड की दूसरी लहर से बहुत ही पीड़ित था, बड़ा संकट था, कि उस समय जिस प्रकार से आत्मीयता से आपने भारत की चिंता की, जो शब्द व्यक्त किए और जो सहायता के लिए हाथ बढ़ाया, इसके लिए मैं फिर एक बार हृदय से आपका आभार व्यक्त करता हूं। अमेरिका ने भारत के टीकाकरण कार्यक्रम की भी सराहना की। उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने कहा कि भारत में एक दिन में 1 करोड़ लोगों को टीका लगाया जाना बेहद अच्छी कोशिश है। ऑफ कोर्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्टनर टू द यूनाइटेड स्टेट्स थ्रू आउट आवर हिस्ट्री आवर नेशंस हैव वर्कड टुगेदर हैव स्टूड टुगेदर to make our world a safer and stronger world. Mr. Prime Minister, when you and I last spoke in June, we talked about how our world is more interconnected and interdependent than ever before. And the challenges that we face today have highlighted that fact, be it COVID-19, the climate crisis, and the importance of our shared belief in a free and open Indo-Pacific region. अमेरिका ने भारत के वैक्सीन निर्यात दोबारा शुरू किए जाने के फैसले का भी स्वागत किया। उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने अपने बयान में खास तौर पर इसका जिक्र किया। अमेरिका ने 22 सितंबर को ग्लोबल कोविड समिट का आयोजन किया था। इस समिट में पीएम मोदी ने टीकों का उत्पादन बढ़ाकर फिर से निर्यात शुरू करने की बात कही थी। ग्लोबल कोविड समिट में पीएम मोदी ने इस बात पर भी जोर दिया था कि दुनिया के सभी देश एक दूसरे की वैक्सीन को मान्यता दें ताकि लोगों का आना जाना आसान हो सके। तय है कि ग्लोबल समिट में पीएम मोदी के सुझावों को अमेरिका ने गंभीरता से लिया है। उम्मीद की जानी चाहिए कि राष्ट्रपति बाइडेन के साथ मुलाकात में कोरोना महामारी के मुद्दे पर दोनों देश मिलकर लड़ने की रणनीति पर विचार करेंगे। वॉशिंगटन डीसी से अंजना ओम कश्यप के साथ आज तक ब्यूरो। तो अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी से आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की मुलाकात पर हमारी ये विशेष पेशकश। इसी व्हाइट हाउस में आज होनी है ये मुलाकात। एक छोटे से ब्रेक के बाद भी हमारी ये कवरेज जारी है, देखते रहिए आज तक।
कोविड 19 समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बताया कैसे भारत ने 150 देशों की सहायता की है। अमेरिका ने भी इस मदद की, इस भूमिका की सराहना की है। लेकिन जिस अमेरिका में हम मौजूद हैं, जहां वॉशिंगटन डीसी से आप ये लाइव कवरेज देख रहे हैं, इसी वॉशिंगटन डीसी में अमेरिका के कोविड मेमोरियल की तस्वीरें आपको दिखाती हैं। वहां की एक ग्राउंड रिपोर्ट आपको बताएगी कि कैसे हर वो जान जो कोविड की वजह से छीन ली गई, उसको लेकर आज भी कैसे शोक की एक सफेद चादर जैसे शहर के बीचों बीच फैली हुई है। चले गए उनके नाम, सिर्फ संदेश रह गया। जी हाँ, हम मौजूद हैं वॉशिंगटन डीसी में, उसी कोविड मेमोरियल में, जहां पर आज भी आंकड़ा बताता है कि 6,81,510 अमेरिकियों ने अपनी जिंदगी कोविड की वजह से गवा दी। ये आंकड़ा सबसे बड़ा स्मारक बनकर यहाँ पर मौजूद है। और ये स्मारक और इसकी अथाह परिस्थिति को आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पर कहाँ से कहाँ तक ये पूरा नजारा जाता है, जैसे एक सफेद खेती हो, शोक की लहर हो। और ये शोक की लहर जो पूरे इस हिस्से में दिखाती है, यहाँ वाला नजारा दिखाइए, जहाँ जहाँ तक नजरें जा रही हैं, दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ सफेद शोक की एक ऐसी चादर है जो शायद कभी ये दुनिया भुला नहीं पाएगी। अमेरिका ने जिस तरह से कोविड की वजह से लोगों को खोया है, उन सब के बीच आपको पता है ये जो एक एक झंडा यहाँ पर लगा हुआ है उसमें कोई ना कोई संदेश है। कौन होगा जिसकी आत्मा नहीं कांप जाएगी, रिमेम्बरिंग ग्रैंडमा, ग्रैंडमा हॉग, जिनका नाम भी लिखा है, वाइफ, सिस्टर, मॉम एंड ग्रैंडमा। वो बता रहे हैं कि एक पत्नी थी, एक बहन थी, एक माँ थी, एक ग्रैंड मदर थी। हर संदेश आपकी आंखों में आंसू ला देगा। ये वाला संदेश देखिए, 5QZ के लिए है, जिसमें लिख रहे हैं, आई स्टिल सी यू एवरीवेयर, आई लुक एवरी डे, हर रोज मैं तुम्हें खोजता हूँ, हर रोज मैं तुम्हें चारों तरफ देखता हूँ। सोचिए नजारा, कल्पना कीजिए उस पूरे शोक की लहर का जो लोगों ने महसूस किया होगा उस दौरान। एक बार यहां से चले तो मुझे लगता है ये काफी लंबा, ये जो पूरा रास्ता है यहाँ से लेकर अंत तक, और यही नजारा चारों तरफ है, दूसरी तरफ भी है, क्योंकि वहां पर भी शोक की ऐसी ही जो संदेश है, लोगों ने अपने जानने वाले, अपने जिनको उन्होंने खोया है, किसी की माँ, ये देखिए, ये छोटा सा जल्दी से दिखाते, टकर मिक लिव्ड एज 16, किसी ने अपने सपनों को पूरा होता हुआ नहीं देखा, किसी के परिवार ने अपने बच्चों को इतनी कम उम्र में खो दिया, कहीं पर किसी की माँ चली गई, कहीं पर किसी के पिता का अंत हो गया, हर उम्र के लोगों का। और जिस तरह से इनकी कोशिश यही है कि 1-2 से शुरुआत हुई है, ऐसे ही इनको कॉर्नर किया गया है, इनको नाम दिया गया है, नंबर किया गया है, हर व्यक्ति जिसकी मौत हुई थी उसके नाम एक संदेश।